क्या हुआ जब एक महादेव भक्त की जान बचाने के लिए एरोप्लेन के सामने स्वयं आकर विराजमान हो गई गौ माता। इसे देखकर सभी के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो महादेव की सच्ची चमत्कारी घटना हम आपको सुनाने वाले हैं, यह चमत्कारी घटना हमें लिख कर भेजती है प्रिया जी सोलंकी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रिया जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली होती है। प्रिया जी हमें बताती है कि यह चमत्कारी घटना मेरे साथ हुई थी आज से 7 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, प्रिया जी हमें लिख कर भेजती है कि मैं बचपन से ही महादेव शिव की बहुत बड़ी परम भक्त रही हूँ। ऐसे में महादेव ने मेरे जीवन में मेरे साथ कई प्रकार के चमत्कार करे हैं, जिन्हें देखकर मैं आज भी हैरान हो जाती हूँ और मुझे आज भी समझ नहीं आता कि किस प्रकार मैं महादेव का धन्यवाद अदा करूँ। ऐसे में महादेव ने आज से 7 साल पहले मेरे साथ एक इतना बड़ा चमत्कार किया था, जिसे आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, प्रिया जी ने जब यह चमत्कारी घटना हमें सुनाई तो यह घटना सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, प्रिया जी हमें बताती है कि बात आज से 7 वर्ष पुरानी है। मैं दिल्ली से फ्लाइट में बैठी थी अपने शहर, अपने गांव मध्य प्रदेश आने के लिए। ऐसे में रास्ते में जब हमारा प्लेन उड़ रहा था तो उसमें अचानक कुछ खराबी होती है और पास ही के गांव में हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है, क्योंकि वह एक गांव था। वहां का एयरपोर्ट ज़्यादा आलीशान तो नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, परंतु एक इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए एक ठीक ठाक जगह थी। ऐसे में उस प्लेन को कुछ खराबी के चलते वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। कुछ समय बाद जब सारी समस्याएं ठीक हो जाती है तो हम सभी यात्री पुनः उस प्लेन में बैठ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उस समय मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी और पहली बार ही उसमें कुछ खराबी आई थी, जिसके कारण सभी यात्री बहुत ज़्यादा डर गए थे और प्लेन की अर्जेंट में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ऐसे में मैं दोबारा उस हवाई जहाज में बैठने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, परंतु मैं महादेव को उस पल याद करे जा रही थी और मुझे भरोसा था कि जब तक महादेव मेरे साथ है, महादेव के मैं भक्त हूँ, कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और मैं बिना डरे महादेव को याद करते करते उस हवाई जहाज में जाकर बैठ गई। ऐसे में उस गांव में हवाई जहाज के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जगह तो नहीं थी, परंतु एक छोटा सा रनवे जरूर था जिससे वह जहाज फिर से उड़ सके। परंतु जब वह प्लेन उड़ने के लिए रनवे पर चलता है, तैयारी कर लेता है, ऐसे में ही गांव की तरफ से ना जाने कहां से दौड़ते हुए गौ माता आती है और रनवे पर आकर बैठ जाती है। वह नज़ारा देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक उस हवाई जहाज को देखकर किसी भी व्यक्ति के आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे में एक छोटी सी गौ माता दौड़ते हुए आकर रनवे पर बैठ जाती है, जिसे देखकर पायलट को अर्जेंट में ब्रेक लगाना पड़ता है और हवाई जहाज को रोकना पड़ता है। ऐसे में कुछ पुलिस आकर, बहुत से लोग आकर उस गौ माता को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह गौ माता वहां से हटने को तैयार नहीं होती है। सभी यात्री पुनः हवाई जहाज से उतर जाते हैं और सभी यह चमत्कार देखने लगते हैं। ऐसे में जब सभी उस गौ माता को हटाने का प्रयास कर रहे थे, तब मैं वहां खड़ी खड़ी वह हवाई जहाज को ध्यान से देख रही थी। और ऐसे में ही मेरी निगरानी पड़ती है हवाई जहाज के एक ऐसे हिस्से पर जो कि वहां से थोड़ा जलता हुआ नजर आ रहा था। वह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं फौरन दौड़ती दौड़ती गई और हवाई जहाज में जो पायलट था उसे बुला कर लाई और मैंने वह जलता हुआ हिस्सा उसे दिखाया। वह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया और बोला कि हमें यह नजर क्यों नहीं आया, यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अगर इस पल हवाई जहाज यहाँ से उड़ चुका होता तो ऊपर जाकर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में वह नज़ारा देखकर, उस जलते हुए हिस्से को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर कुछ टीम
टीम आती है और उस हिस्से को सही करती है, पूरा सुधार करती है, और दूसरा प्लेन मंगाया जाता है और सभी यात्रियों को अपनी जगह पर पहुंचाया जाता है। ऐसे में मैं उस पल को याद कर कर अभी भी डर जाती हूँ कि अगर उस क्षण वह गो माता वहाँ पर आकर उस हवाई जहाज के रनवे पर नहीं बैठी होती तो वह हवाई जहाज वहाँ से उड़ चुका होता, और फिर ना जाने क्या उड़ने के बाद उसमें कौन सी बड़ी तकलीफ आ सकती थी, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में वह हादसा याद कर कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, जब प्रिया जी ने यह चमत्कारी घटना हमें सुनाई तो इस घटना को सुनने के बाद हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए, हम भी हैरान हो गए कि आखिर किस प्रकार महादेव के भक्तों की जान बचाने के लिए एक गौ माता स्वयं हवाई जहाज को रोकने आ सकती है। ऐसे में दोस्तों, यह चमत्कारी घटना सुनकर आपको क्या लगता है? क्या यह घटनाएं सत्य हो सकती है? आपके मन की बातें दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सच्ची चमत्कारी घटना हुई हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।